आपको बेड वेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। बेड वेटिंग मतलब बिस्तर में पेशाब करना रात में, ये दिन में भी हो सकता है। 3 साल के उम्र तक बच्चा यदि बेड वेटिंग करता है, सपने में मतलब रात में सोने में नींद में या जागते हुए, तो उसको ऐसा नॉर्मल कहा जाता है। मतलब 3 साल के बाद में यदि वो बेड वेटिंग करता है, बिस्तर गिला करता है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इसके अंदर एक कारण है कि ये होता क्यों है। ये बेड वेटिंग हो रहा है तो इसका प्रमुख कारण मानसिक है, मगर साइकियाट्रिस्ट के तरफ, मनोचिकित्सक के तरफ ये बच्चों को लाया नहीं जाता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जो लोग है, हमारा बच्चा क्या पागल हो गया क्या, मतलब इस तरह से बातें की जाती है और हमारी तरफ उसको लाया नहीं जाता। असली जो कारण है वो अभी तक किसको मालूम नहीं है, मगर साइकोलॉजिकल उसका इलाज क्या, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया उसका, तो वो बेड वेटिंग अच्छा हो सकता है। 3 साल के बच्चों का यदि बेड वेटिंग होता है तो होता क्या है कि एक तो लोग उसको सवेरे उठने के बाद में चिढ़ाते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, उसको मतलब डाउन कर देते हैं, फिर तू इतना बड़ा हो गया, तू ऐसा कैसा कर रहा है, तेरे को शोभा देता नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ऐसा पोसते रहते हैं, तो बच्चे वैसे ही डाउन हो जाते हैं। और डाउन हुआ बच्चा फिर जब रात को सोता है दूसरे दिन, फिर वैसे उसको हो जाता है और फिर वो और बेड वेटिंग करता है। इसमें हम देखते हैं कि इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, माँ बाप को क्या प्रॉब्लम है, उनके आपस में पट्टी नहीं पट्टी, उनमें कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है क्या, मतलब पति पत्नी में कोई संघर्ष है क्या, बच्चे को कोई टेंशन एंग्जाइटी डिप्रेशन है क्या, ऐसा हम उसको पूरा असेस कर लेते हैं और फिर बाद में हम उसको एक बिहेवियर थेरेपी का एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि 7 बजे के बाद में रात को पानी पीने का नहीं, फिर एमिप्रामिन नाम की जो दवाई है तो वो दवाई उसको खिलाते रात को सोने के समय, फिर उसको एक चार्ट बना के देना, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो प्रोसेस है, ऑपरेंट कंडीशनिंग उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी में या साइकोलॉजी में, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग उसको समझा के देते हैं कि जिस दिन बेड वेटिंग किया उस दिन उसको 0 मार्क मिलेंगे, बेड वेटिंग नहीं किया उस दिन उसको 1 स्टार मिलेगा, मतलब इस तरह का उसका एक मूल्यांकन हो जाता है। और उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो ट्रीटमेंट माध्यम है उसमें उसको शाबाशी दी जाती है, उसको तारीफ प्रशंसा की जाती है, और जिस दिन वो बेड वेटिंग करता है उस दिन उसको कुछ बोलने का नहीं, तो ये बीमारी पूरी अच्छी हो सकती है। माँ बाप ने शांति रखना जरूरी है, उसको गलत नहीं ठहराना, गलत साबित नहीं करना, और एट द सेम टाइम मतलब उसी समय उसका इलाज करना, यदि किया तो ये बीमारी अच्छी हो सकती है। हम माँ बाप को यही सिखाते हैं कि वे अलार्म कब बजा के रख, मतलब कब बजेगा, उसको कब उठाने का है, और अलार्म का और उसका जो मतलब पेशाब की जो थैली है पेट में, तो उसका एक कंडीशनिंग कैसा करना, ये भी हम उसमें सिखाते हैं कि उसको कंडीशनिंग कैसा करना, ताकि पेशाब की थैली भरने के बाद में उसको जा आना चाहिए बच्चे को, तो उसके लिए भी हम उसको ट्रीटमेंट मोडालिटी बताते रहते हैं, और करीब करीब 100% इसमें फायदा होता है। सो इसकी जानकारी आप हमारे वेबसाइट पे ले सकते हैं, या फेसबुक वीडियोस जो यूट्यूब पे उसके ऊपर से और अधिक जानकारी आपको मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।